क्लास में पढ़ता रात में पढ़ता फिर भी फेल हो जाता हूँ। उठने की कोशिश में करता बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों उतना ज्यादा है। मुझको जो कुछ भी है मिलता सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा। इसको भी एक बैटल की तरह लेना है और इस बैटल को लड़ना है, लोगों की नहीं सुनना है। आपको वो बनना है व्हाट यू थिंक यू आर। ये कहना छोड़ो कि क्या मैं कर सकता हूं। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्मार्ट देखना चाहते हैं, इसलिए तुम बैठे हो इंस्टा पे रील डाल रहे हो अपने और देख रहे हो कि अरे मैं हीरो। This will be the journey for the preparation of working hard in life, for facing the struggle in life, for chasing the goal in life. जिंदगी में पहली बार आप सीखने जा रहे हो गोल को कैसे चेज करते हैं। ये 11, 12 के जो दो क्रूशियल इयर्स होते हैं ना, इसमें पहली बार आप एक गोल सेट करते हो। और ये 11, 12 के गोल्स ना पूरे होने चाहिए, क्योंकि कच्ची उम्र में अगर गोल पूरे नहीं होते ना बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट। और उन बच्चों का ये सपना है कि क्या मैं IIT बॉम्बे जा सकता हूं, क्या मैं IIT दिल्ली जा सकता हूं, क्या मैं एम्स पहुंच सकता हूं। सबसे पहले ये कहना छोड़ो कि क्या मैं कर सकता हूं। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। क्लास 11 से ही ये लर्निंग लेके जाओ कि मैं ये करके दिखाऊंगा। अभी से ये बात पक्की करके जाओ कि मैं ये, जो तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे करवाना चाहते, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सुंदर देखना चाहते इसलिए तुम बैठे हुए अपना मेकअप करो, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्मार्ट देखना चाहते हैं इसलिए तुम बैठे हो इंस्टा पे रील डाल रहे हो अपने और देख रहे हो कि अरे मैं हीरो बन गया। ये तुम्हें लगता है, तुम क्या करना चाहते हो खुद से पूछो। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें लगता है कि लोग तुमको ऐसे देखना चाहते हैं, लोग तुमको इंजीनियर बनने देखना चाहते हैं, लोग तुम्हारे पास चाहते हैं कि हमेशा भीड़ कलेक्टेड रहे, लोग चाहते हैं कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलो, लोग चाहते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट रहो, लोग चाहते हैं कि तुम फनी रहो, लोग चाहते हैं तुम ह्यूमरस रहो, लोग चाहते हैं तुम इंटेलिजेंट रहो। तुम चाहते हो जिंदगी से जीवन एक बार मिला, दिस लाइफ इज फॉर वंस। अब इस सवाल में बहुत लोग तुमको रास्ते में बोलेंगे यार IIT दिल्ली आ रहा है यार, क्या सपना देख रहा है, पागल हो गया क्या, बोल दे आप पागल हो गया। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि IIT दिल्ली जाने का, IIT बॉम्बे जाने का, एम्स जाने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का सपना टफ है, बिल्कुल टफ। वो बस एक एम है जिसको तुम पूरा करके चाहोगे। जीवन में बताया सबसे मुश्किल स्टेप क्या थी, जीवन की सबसे मुश्किल स्टेप थी अपने पैरों पे चलना। एक बच्चा जो हाथ ऐसे हिलाता है, पैर ऐसे हिलाता है, किसी ने सोचा था कि वो चलने लगेगा, वो चलना शुरू कर देता है। पता है क्यों? पता है क्यों वो चल सकता है? कितनी मुश्किल चीज है ना, जो इंसान चल नहीं सकता, जो ऐसे से लेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा ऐसे हाथ ऐसे चल रहे, ऐसे कर रहा है ना, बोल पा रहा है ना, कुछ समझ पा रहा है, वो चलना शुरू कर दिया। दिस इज अ मैजिक, पर इसको मैजिक नहीं देखते आप। क्यों इसको आप मैजिक नहीं समझते, इसको सोचते तो होना ही था। क्यों? क्यों? क्योंकि तब हमको पता है ये तो होना ही था, ये तो आसान है। और IIT और नीट के गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज के लिए आपके दिमाग में डाल दिया गया ये टफ है, उससे टफ थोड़ी है। जीवन में तूने क्लास 3 में जो रेस दौड़ी थी याद है, अपने क्लास के अंक को कैसे हराया था, पछताया था, उससे टफ थोड़ी है। वो क्रिकेट मैच याद है जब 25 रन चाहिए था तूने बनाया था, उससे टफ थोड़ी है। एक मैं ये भी एक, इसको भी एक बैटल की तरह ही लेना है और इस बैटल को लड़ना है, लोगों की नहीं सुनना है। आपको वो बनना है व्हाट यू थिंक यू।